Download the Medcam Plus app now and don't forget to like this video, share with your friends and subscribe the YouTube channel of Medcam Classes. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडकैम क्लासेस में। मैं हूं विमल प्रताप सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर स्पेशली आईआईटी जैम केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो आईआईटी जैम केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए है और इसमें हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। यहां पर हम असाइनमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, टेस्ट भी होगा आपका ऑनलाइन और पूरे के पूरे सिलेबस को जो आईआईटी जैम केमिस्ट्री का है उसको अच्छे से डिटेल वाइज यूट्यूब पर हम यहां पर पूरा कवर करेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है और इस सेशन के बाद जैसे ही ये रिकॉर्डेड सेशन आपको लगातार यूट्यूब पर मिलेंगे, तो जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, तो जैसे ये वीडियो जिस भी टाइम पर आती है उस टाइम के 1 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पर लाइव डाउट सेशंस होंगे। मतलब कि जैसे अगर ये वीडियो आपको 22nd December को मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में 2 PM पर मिली, तो 3 PM पर टेलीग्राम पर हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे और किस टेलीग्राम पर कैसे करना है उसके इंपॉर्टेंट लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इस लेक्चर सीरीज को चाहते हैं कि लाइव पढ़ाई जाए तो आप कमेंट कर जरूर करिएगा इस वीडियो में, तो 2nd lecture से हम इसको लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में आप इसको आसानी से अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं, इसलिए हम इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपका जैसा ओपिनियन होगा उसके आधार पर आगे चीजें कंटिन्यू की जाएंगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा और काफी सारी चीजें पढ़ ली होंगी, लेकिन ये जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन वाला पार्ट है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हमें कहीं ना कहीं टफ लगता है, जबकि ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है। तो देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है। जैसे नॉर्मली ऑर्गेनिक रिएक्शन आप देखते होंगे तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पोलैरिटी की वजह से या फिर आयनिक नेचर की वजह से रिएक्शन होती है। मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर कम होगी रिएक्शन मिक्सचर में, वहां पर अटैक्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि पोलैरिटी आने की वजह से अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के बीच में। कहीं पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है तो इलेक्ट्रॉन जो रिच एलिमेंट होता है वो उसके पास आकर उससे इंटरेक्ट करता है या फिर रिएक्ट करता है या फिर अटैक करता है, जैसा भी आप चाहें कह सकते हैं, और उसके आधार पर आगे रिएक्शंस बढ़ती हैं और एक लेवल पर जाकर एक एक्टिवेशन एनर्जी को रिक्वायर करने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम, मतलब प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से वो रिएक्शंस क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, मतलब बाद में रिएक्शंस स्टेबलाइज हो जाती है, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। डील्सेल्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं या फिर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ी अलग होंगी। मतलब क्या कहने का है, यहां पर रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ी क्या पूरी ही अलग होती है, जिस वजह से ड्यू टू द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस हम इनको अलग कैटेगरी में रख देते हैं और कहते हैं इन रिएक्शंस को पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इन रिएक्शंस में आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, जो रिएक्टेंट से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है, उनके बीच में सिर्फ एक स्टेप होती है। मतलब आपके पास एक रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट तो आप उसे नहीं कह सकते हो, आप उसे ट्रांजिशन स्टेट कहोगे। आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के बाद एक स्टेट आएगी और उस स्टेट से डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। किसी भी तरीके के कोई भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती इन रिएक्शंस को, मतलब रीजेंट्स की जरूरत नहीं होगी, आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होगी। एक स्पेशल केस है डील्सेल्डर रिएक्शन का, जहां पर आपको कैटलिस्ट हेल्प कर देता है, बाकी इसके अलावा और कहीं पर सॉल्वेंट का कोई हेल्प नहीं मिलता आपको। तो चलिए समझते हैं आखिरकार ये रिएक्शंस होती क्या है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर इन रिएक्शंस का ये है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का, कि दीज आर कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। इनकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। पहला और इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है, इसी के आधार पर पूरी ये रिएक्शन मैकेनिज्म बदल जाती है, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। दे हैव कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से मतलब क्या है यहां पर, मतलब यहां पर ये है कि ये रिएक्शंस जो आपकी होती हैं, यहां पर जिस टाइम पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा रिएक्शन में, उसी टाइम पर दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और दोनों फॉर्मेशन के बीच में एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, और उसके आधार पर ही रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल
आपको रिएक्शन बताता हूं जिसको आप देखते रहते हैं लगातार। जैसे कि आपके पास ये एक डाई इन प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक डाई इन प्रेजेंट है, दो इन्स एक साथ कॉन्जुगेटेड डाई इन कह सकते हो, और इसकी रिएक्शन आप क्या करो, एक एल्कीन से करा दो। तो यहां पर क्या होगा, ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शंस मैक्सिमम केसेस में क्या, हर केस में आपको दो कंडीशंस पर ही देखने को मिलेंगी, या तो लाइट की प्रेजेंस में हो रही होगी या तो हीट की प्रेजेंस में हो रही होगी, इसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है। मतलब कि अगर इन दोनों की रिएक्शन आप कराओगे तो यहां पर होगा क्या, बेसिकली ये बॉन्ड यहां पर, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली यहां पर ब्रेक होगा और इसी से यहां पर एक क्या होगा, दूसरा बॉन्ड यहां पर फॉर्म होगा। इसी तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां से एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और साइमल्टेनियसली यहां पर एक दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और यहां पर एक साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से होता क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी यहां पर, और ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आपके ये तीन बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये चार सिग्मा बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई भी ब्रेकिंग और कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इनके अलावा जो पाई बॉन्ड्स हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म है, तो इसे ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने में हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड फॉर्म में शो कर देंगे। इसका मतलब है कि ये बना हुआ बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहा है, मतलब एक तरीके से हाफ बॉन्ड कह सकते हो, समझना, ऐसा हुआ है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर कोई बॉन्ड नहीं था पहले, लेकिन अब फॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से यहां पर क्या, यहां पर भी इस तरीके से एक हाफ बॉन्ड जो कि फॉर्मेशन हो रहा है उसका। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है, तो ये भी इस तरीके से आपको शो होता हुआ दिखता है, और यहां पर ये वाला बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर इस तरीके से आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है, और यहां पर ये एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर भी क्या है, आपके पास ये फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके की आपकी क्या होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और रिएक्टेंट भी हो सकता है, मतलब एक ही रिएक्टेंट के अंदर भी रिएक्शन हो सकती है, अलग अलग रिएक्टेंट होंगे तो भी रिएक्शन हो सकती है। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको इतनी बात तो आप समझ में आती होगी। तो यहां पर क्या है, ये आपके सामने बन गई, आ गई ट्रांजिशन स्टेट, और इससे क्या होगा, आपका डायरेक्टली एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका क्या होगा, देखिए यहां पर ये बॉन्ड था, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां पर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और यहां पर क्या हुआ, एक बॉन्ड यहां पर बनकर आ गया बस। अब इन रिएक्शंस में अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुछ नहीं, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, या तो ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हुई होगी या तो लाइट की प्रेजेंस में हुई होगी, बस यही एक इनको इनिशियल जो किक चाहिए होती है इन रिएक्शंस को, वो यही होती है, लाइट या हीट की प्रेजेंस में हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शंस को कराते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को, बताइए। तो इतनी बात क्लियर समझ में आनी चाहिए आपको कि कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, डायरेक्टली एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से ही डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं बोलता जा रहा हूं, और इनको या तो बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद इसको 2x स्पीड में करके फिर से पूरा देखना और नोट्स बना लेना, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गई कि दीस रिएक्शंस हैव कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, इनमें कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, मतलब क्या है कि जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती है और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और प्रोडक्ट्स हमारे बन जाते हैं। कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, किसी भी तरीके के रीजेंट्स की हेल्प नहीं चाहिए होती है इन रिएक्शंस में, क्योंकि क्या ही करेगा रीजेंट, यहां पर डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट बनी और आपका प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से यहां पर किसी भी तरीके के कैटलिस्ट की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कैटलिस्ट यहां पर रिएक्शन को हेल्प नहीं करता है, इन अ स्पेशल केस ऑफ डील सेल्डर रिएक्शन अभी समझेंगे क्या होते हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो लोग अभी पेशेंस को रखें और आगे समझेंगे इस चीज को। तो डील सेल्डर रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट हेल्प कर देता है, वहां पर लेविस एसिड्स की हेल्प प्रेजेंस में आपको रिएक्शन फास्टर होती हुई दिखेंगी, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग बिल्कुल इग्नोर करिए, कोई बात नहीं है, किसी भी तरीके की टेंशन मत लीजिए। तो कैटलिस्ट हेल्प नहीं करेगा, किसी भी तरीके का सॉल्वेंट का कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं होगा, मतलब बाहरी कोई भी ऐसी हेल्प की जरूरत नहीं होगी, रिएक्शंस खुद होंगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होता है इन रिएक्शंस में कि ये रिएक्शंस खुद होती हैं। तो उसके लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या है, किसका मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया। अब इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है, मतलब चार कैटेगरीज हैं बेसिकली इनकी, और उनको बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर सिर्फ आईआईटी जैम केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार आईआईटी जैम केमिस्ट्री में कहां कितना और क्यों पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस में साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है आपके आईआईटी जैम सिलेबस में, देख लीजिए आईआईटी जैम
CY का जो सिलेबस है, ITJM केमिस्ट्री CY का जो सिलेबस है, तो इसके जो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये मेडकेम की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ITJM केमिस्ट्री के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है आपका जो सिलेबस में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एक छोटा सा जो पार्ट आता है उसमें सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, डील्स एल्डर रिएक्शंस। यहां पर आपको डील्स एल्डर रिएक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर में आती है, डील्स एल्डर रिएक्शंस। ठीक है, और जो सेकंड इसका पार्ट आता है आपके क्वेश्चन पेपर में वो आता है क्या, आपका सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो बेसिकली ये क्या है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के ही तीन पार्ट है, मतलब तीन कैटेगरीज हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की, जिनमें ये दो तो मेजर कैटेगरीज हैं, सिग्मा ट्रॉपिक और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। लेकिन आपकी जो डील्स एल्डर रिएक्शंस हैं ये बेसिकली एक दूसरी कैटेगरी की सब कैटेगरी है। ठीक है, तो इससे डील्स एल्डर रिएक्शंस एक्चुअली कुछ नहीं है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की साइक्लोएडिशन रिएक्शन कैटेगरी है। क्या कहते हैं, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, साइक्लोएडिशन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस या फिर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो हम इन लेक्चर्स को पेरीसाइक्लिक को आपको ITJM के लिए कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और किन-किन कंडीशंस पे होती हैं। इतना समझने के बाद आप डील्स एल्डर रिएक्शंस पूरी समझ जाएंगे, सबको समझ जाएंगे इसमें। इसके बाद हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्या है, साइक्लोएडिशन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या है। तो सिंपल सा नाम से ही क्लियर समझ में आ रहा है कि आपको साइक्लिक एडिशन हो रहा होगा यहां पर। ठीक है, तो यही बात है यहां पर, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्या है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की वो रिएक्शंस होती हैं। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज या फिर कह सकते हैं दो ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे आपके। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड के दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज हो, या फिर दो अलग अलग कंपाउंड्स की दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज हो सकती हैं, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल आपको बताया। और वो दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज आपस में कंसेंट्रिक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू एक साइक्लिक कंपाउंड्स को बनाती हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस कहते हैं। और यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो साइक्लिक ही बनेगी, वो सारे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ही यहां पर आपको बनती हुई दिखेगी। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस बेसिकली क्या है, दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज। आप समझ लीजिए, दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज में आपके वो दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटीज कैसी भी हो सकती हैं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड जैसी भी हो सकती हैं, बहुत कैटेगरीज हम लोग इसकी अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दो एथिलीन ग्रुप्स हैं, तो ये दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज हैं। ठीक है, अब इनकी आप रिएक्शन कराओगे या तो हीट की प्रेजेंस में होगी या तो लाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, और इनसे क्या होगा, आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से, आपका एक प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट यहां पर आपको बनेगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आप दूसरा कोई भी अनसैचुरेटेड मॉइटीज ले सकते हैं, यहां पर आपके पास ये केस है, इसमें क्या है आपके पास एक कॉन्जुगेटेड डाइईन है और एक दूसरा क्या है साथ में एल्कीन है। तो इसकी भी रिएक्शन आप जब कराओगे या तो हीट की हो रही होगी प्रेजेंस में या तो लाइट की प्रेजेंस में हो रही होगी, कैसे हो रही होगी वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो इन दोनों की रिएक्शन में क्या होगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। और ये शिफ्टिंग और बॉन्ड कैसे भी हो सकती है ये तो हम अपने समझने के लिए करते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होगा कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड्स में ट्रांसफर हो जाती हैं और एक स्टेबल मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है एज कंपेयर टू द एल्कीन वंस। ठीक है, तो यहां पर लाइट की प्रेजेंस में यहां पर इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां पर क्या होगा, एक सिक्स मेंबर प्रोडक्ट आपका यहां पर बनकर आ जाएगा। तो ये रिएक्शंस आपकी क्या है, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस है। अब ये हीट की प्रेजेंस में होती है, कभी लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार कोई भी साइक्लोएडिशन रिएक्शन कब और कैसे हीट और लाइट की प्रेजेंस में हो जाती है। और इसी साइक्लोएडिशन रिएक्शन का जो स्पेशल केस होता है, जहां पर एक आपका 4 पाई सिस्टम और एक आपका 2 पाई सिस्टम जब आपस में एक दूसरे के साथ कंसेंट्रेटेड रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपका प्रोडक्ट बनाता है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग 4+2 पाई साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डील्स एल्डर रिएक्शंस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आखिरकार कैसे रिएक्शन हो रही है, कब कौन सी रिएक्शन होगी, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से चीजें रिएक्शंस में आगे समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार कोई एक रिएक्शन आपको साइक्लोएडिशन रिएक्शन कभी हाइट लाइट की प्रेजेंस में होती हुई दिखती है, जबकि कहीं दूसरी कोई एक साइक्लोएडिशन रिएक्शन आपको लाइट की जगह हीट की प्रेजेंस में होती हुई दिखती है। तो हमें सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि आखिरकार साइक्लोएडिशन रिएक्शंस
क्यों किस कैटेगरी में कैसे हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा FMO अप्रोच। FMO अप्रोच नाम ही थोड़ा एडवांस लग रहा है, बाकी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हैं। यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार पाई बॉन्ड्स से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे नॉर्मली कह दूं एक एल्कीन है आपके पास, ये ऐसे एक एल्कीन है, ठीक है, तो एल्कीन में यहां पर क्या है, अगर आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देखने की कोशिश करोगे या फिर नॉर्मली अप्रोच से देखने की कोशिश करोगे, तो आपको पता है कि यहां पर दो पाई बॉन्ड्स हैं, दो पी ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके कंपाउंड में आपको ये जो डबल बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं, अब ये दो पी ऑर्बिटल्स आपस में किस तरीके से मिल सकते हैं, या तो ये बना सकते हैं अपना डबल बॉन्ड, और ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड ना बनाए। तो ये दो पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल देखिए, समझिएगा, दो पी ऑर्बिटल दो अलग अलग टाइप के तरीके इंटरेक्शन कर सकते हैं, कैसे, या तो इन फेज हो या तो आउट फेज हो। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक फेज का आपको पता ही है, प्लस साइन का मतलब हो गया कि एक फेज है, और जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपके यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ही वो किसी नोड के थ्रू पास होते हैं, नोड का मतलब हो गया ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो तुरंत जैसे ही यहां से ये पास होते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है, इनका नेचर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, फेज क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। उसको शो करने के लिए हम लोग प्लस माइनस सिंबल शो करते हैं, इसका मतलब प्लस और निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग में आप क्लियर रखिएगा। इसी तरीके से यहां पर दूसरा ये ऑर्बिटल है, तो या तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इन फेस रिएक्ट कर सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये ऑर्बिटल जो बनेगा ये कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कुछ नहीं है, यहां पर दो पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करके, जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना, वैसे यहां पर भी एक्चुअल में होता है कि आपके पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते तो हैं, लेकिन साथ में उनके पास अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल होते हैं। एक तो ये हो गया आपका, दूसरा कौन सा हो सकता है कि यहां पर इस तरीके से एक ये बना दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, तो यहां पर ये पॉजिटिव और यहां पर ये पॉजिटिव, ये इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, आउट फेज हो गया। अब यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में इस जगह क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, मतलब कि यहां पर बीच में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी, इसका मतलब यहां पर एक नोड प्रेजेंट होगा जबकि यहां पर कोई भी ऐसा नोड प्रेजेंट नहीं होगा, और ये वाला जो ऑर्बिटल होगा इसे आप क्या कहोगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इसको ही और किसी दूसरे सिस्टम को उठा लेते हैं, ये तो मान लीजिए आपका नॉर्मल एल्कीन हो गई आपकी, अब किसी दूसरे सिस्टम को उठा लेते हैं जिसमें एक की जगह दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, हमें 3, 4, 5, 8, 10 पाई बॉन्ड्स तक के सिस्टम को आप कर सकते हो, लेकिन सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि हमें सिर्फ डील सेल्डर पढ़ना है, इसलिए मैं आपको दो की जगह 3 पाई बॉन्ड तक भी लेकर चलता हूं क्योंकि वही हमारा सिलेबस है मेन। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, 3 नहीं 2 पाई बॉन्ड्स, तो 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहां पर आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं आपके पास मतलब क्या है, यहां पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से एक पी ऑर्बिटल यहां पर है, एक पी ऑर्बिटल यहां पर है, एक पी ऑर्बिटल यहां पर है, और एक पी ऑर्बिटल यहां पर है। आपको 3D डायग्राम समझेंगे इसका तो आप समझ जाएंगे कि एक इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे 2 पाई बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट है यहां पर, अभी कोई पेन नहीं एक्स्ट्रा मेरे पास, तो यहां पर क्या आप समझ गए होंगे, इस तरीके से एक यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से 4 कार्बन एटम्स हैं, यहां पर एक पी ऑर्बिटल, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और ये 4 पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करके ये 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए हम इसको क्लियरली एक लाइन में लिख के देख लेते हैं, जबकि ऐसा लिखा जाना मतलब उचित नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या, आप मान लीजिए यहां पर 4 कार्बन एटम्स हैं जिनके पास 4 पी ऑर्बिटल्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं, और 4 पी ऑर्बिटल्स आपस में अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करके अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना सकते हैं। तो जितने पी ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनेंगे, और उसमें ही ऐसी कुछ खास बात अभी आपको आगे देखने को मिलेगी जिसकी वजह से कोई रिएक्शन साइक्लोडिक्सन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो जाती है जबकि कोई दूसरी लाइट की प्रेजेंस में हो जाती है। तो इसको आप देखेंगे तो यहां पर ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ये किस किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर चारों के चारों क्या हो सकते हैं, इन फेज हो सकते हैं, एक तो यही हो गया, तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म होगी इनके फॉर्मेशन करने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, सबसे स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब सेकेंड, अगर इसी की जगह आप सेकेंड इसका बनाना चाहेंगे तो सेकेंड के केस में देखिए क्या होगा, यहां पर आपका ये, इसको मैं यहां पर दूसरा बना देता हूं, तो दूसरे वाले केस में देखिए क्या होगा, दूसरे वाले केस में
यहां पर आपके पास फेज चेंज होना चाहिए, और जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हो तो वहां पर फेज चेंज इस हिसाब से होते हैं, कंपाउंड के अंदर जो टोटल ओवरऑल डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो स्टेबल ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहां पर इन दोनों को अपोजिट फेज में कर दो और इन दोनों को, इन तीनों को सेम फेज में रख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक नोड यहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर जीरो है जबकि इस तरफ 75% और इस तरफ 25%, तो ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा फॉर्म बेसिकली क्या होगा कि यहां पर इस तरीके से, देखिए मैंने आपको फटाफट बना के दिखा दिया ताकि टाइम कम लगे आपको, यहां पर क्या आपके पास बेसिकली एक यहां पर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं था। अब यहां पर क्या नोड का बेसिकली यही मतलब होता है कि वेव फंक्शन स्टेबलाइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बोल दिया आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जगह उसको स्टेबलाइज्ड वेव फंक्शन बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ से, जहां पर नोड प्रेजेंट होता है वहां पर जीरो और उसके लेफ्ट और राइट में स्टेबलाइज्ड सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही अलाउड होते हैं क्वांटम में, ये आप आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को आगे समझ जाएंगे आप। तो यहां पर बेसिकली सेकंड केस में आप जब नोड बनाएंगे ना, तो यहां पर देखिए एक तो दोनों सेम फेज में, इन दोनों को यहां पर रख लो, एक दोनों को सेम फेज में यहां रख लो, मतलब बीच में एक ही नोड डालते हैं हम, सिर्फ एक नोड डाल के देखते हैं क्या कोई ऑर्बिटल बन सकता है, तो हां बन सकता है, तो ये इस तरीके का बन सकता है, तो मतलब क्या होगा इसमें नोड एक है इसमें नोड जीरो है। अब अगला केस क्या कर सकते हैं, अगला केस आप ये कर सकते हैं कि आप एक की जगह दो नोड डालकर देखिए कि दो नोड अगर हम डालना चाहें तो कैसे होंगे, तो अगर आपको दो नोड डालने तो आप इस तरीके से दो नोड डालने की कोशिश करेंगे, ना कि दोनों को एक साइड में रखने के, एक साइड रखेंगे तो फिर से वही अनसिमेट्रिक हो जाएगा आपका वेव फंक्शन। तो यहां पर एक नोड यहां पर एक नोड यहां पर, इसका मतलब समझ में आ गया, यहां पर प्लस और यहां पर इन दोनों को सेम फेज में रखेंगे ताकि बीच में नोड ना आए, और यहां पर एक प्लस यहां पर एक प्लस, तो यहां पर नोड कितने हो गए दो हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अब एक और नोड डालकर देख लेते हैं कि आपने नोड देखकर डाला कि चलिए तीन नोड डालने की कोशिश करते हैं कि तीन नोड, तो मतलब सबको उल्टा सीधा कर दो, यहां पर प्लस यहां पर प्लस यहां पर प्लस यहां पर प्लस, तो सबके सब अपोजिट फेज में हो गए, तो यहां पर नोड कितने हो गए तीन हो गए। अब इसके बाद अगर आप चौथा नोड डालने की कोशिश करेंगे या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, मैं नोड के हिसाब से बता रहा हूं ताकि आपको आसान हो जाएंगी चीजें, ऑर्गेनिक में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें बस यही समझना होता है। तो अप्रोच ऐसा है कि अपने को सिर्फ नोड डालने हैं और स्ट्रक्चर हम कैसा भी बना डालेंगे। तो यहां पर आपके पास तीन नोड के बाद चौथा नोड आप डाल नहीं पाओगे क्योंकि इतना ऑर्बिटल ही आपके पास चार हैं, तो बीच में जो इंटरेक्शन हो सकता है वो तीन ही इंटरेक्शन होंगे चार के बीच में। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा आपका तीसरा नोड ये आ गया। अब आपको ये समझना है कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा इनका एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा। तो जिसमें जितने कम नोड होते हैं ना वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि नोड क्या कर रहा है बेसिकली दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जीरो कर दे रहा है, मतलब कि अट्रैक्शन को कम कर दे रहा है, और अट्रैक्शन अगर कम हो जा रहा है इसका मतलब हो गया क्या कि आपका कंपाउंड अनस्टेबल हो जा रहा है। भाई दो न्यूक्लियस के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, और अगर आपने वहां पर नोड ही डाल दिया, ये दो न्यूक्लियस हैं जिनको होना वैसे चाहिए था स्ट्रक्चर में जैसे भी मैंने आपको बताया, लेकिन हमने अपनी आसान समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे बना लिया है, तो इसलिए हमने क्या किया यहां पर बेसिकली इनको सीधा लिखकर रख रखा है। तो इनका मतलब यहां पर जितने नोड्स आते जाएंगे कंपाउंड उतना अनस्टेबल होता जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतने अनस्टेबल होते जाएंगे, उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। अब यहां पर आप ये कैसे समझेंगे कि मैंने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना भी लिए हैं या फिर बच भी गया है कोई कि नहीं बचा है, तो जितने आपके पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं। तो यहां पर आपके पास चार पी ऑर्बिटल हैं, तो चार एमओ डायग्राम्स आपने बनाए, ठीक है, तो ये चार एमओ डायग्राम्स आपके सामने यहां पर बनकर आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर। तो अब आपको एनर्जी पता करनी है, तो भाई सबसे पहला वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा जो सबसे कम नोड होंगे, तो यहां पर साई वन हो गया, ये साई टू हो गया, ये साई थ्री हो गया, और ये क्या हो गया आपका साई फोर हो गया, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो, यहां पर आपने एक चीज और जनरलाइज करके देखी अभी क्या कि जो नोड, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें उससे एक कम नोड है, मतलब जब अगर आप बाद में आपसे पूछूं कि साई एन में कितने नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं एन माइनस वन नोड्स होते हैं, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में सही होता है जब आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात करोगे, क्योंकि यहां पर पी ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि साई एन में एन माइनस वन नोड्स हैं, ये बात भी यहां से क्लियरली समझ में आ गई। अब इनको एनर्जी सीक्वेंस में रख दीजिए, यहां पर आपने रखा इसको साई वन, दूसरा रखा साई टू, यहां पर तीसरा रखा साई थ्री, और यहां पर चौथा रखा साई फोर। एनर्जी सीक्वेंस में ये हमने ऐसे नीचे वाले स्टेबल ऊपर वाले अनस्टेबल। तो ये तो हो गई आपकी एल्कीन जिसकी हम रिएक्शन करा थे, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अब इसी की जगह जो इससे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था जिसको मैंने साफ कर दिया, वहां पर क्या था दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने थे, एक बना था जिसमें एक भी नोड था उसको मैंने साई वन बोल दिया, और दूसरे में क्या था साई टू बोल दिया जिसमें एक नोड प्रेजेंट था। तो ये इस तरीके से दोनों, अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, इन मॉलिक्यूलर्स का क्या होता है डायग्राम्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा इनमें से कौन कैसे इंटरेक्ट करेगा, इन दोनों में से कौन कैसे इंटरेक्ट करेगा। इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार एफएमओ क्या होते हैं, क्या होते हैं एफएमओ डायग्राम्स, क्या होते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम, फ्रंटियर
एमओज। तो फ्रंटियर एमओज का मतलब यही हो गया कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फ्रंट में अवेलेबल होते हैं जब भी रिएक्शन हो रही होगी ना पेरिसाइक्लिक में, तो इन्हीं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में होती है और इनको ही बोला जाता है होमो लूमो। क्या बोलते हैं? दो कैटेगरी है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या है आपके पास? होमो और लूमो। तो होमो और लूमो नेम से ही बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। होमो क्या हो गया? हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इससे समझ जाएंगे यही नाम है और यही सब कुछ है। इसके बाद एसोमो, सोमो भी बोलते हैं, एक सोमो भी होता है आपका। सोमो क्या होता है? सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उनको भी आपको कोई जरूरत नहीं है जैम में, तो इसलिए आपके पास इन्हीं दो कैटेगरीज को समझना है और यही दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब जरा पीछे आते हैं, पीछे आके देखते हैं कि आखिरकार यहां पर आपने जब देखा कि ये जो एल्कीन है यहां पर कितने पाई ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, चार। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो पाई ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? चार पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो पाई बॉन्ड ना, तो चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हम लोग इसको फोर पाई सिस्टम बोलते हैं। और यहां पर जो आपकी एल्कीन थी इस तरीके से, इसको टू पाई सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पर चार इलेक्ट्रॉन है, तो आप भर दीजिए, एक दो तीन चार, वही आप रूल, यहां पर एक दो तो हो गया। अब देखिए यहां पर इस सिस्टम को जरा देखेंगे, आप जब एल्कीन वाले सिस्टम को देखेंगे तो यहां पर देखने में आप क्या पाएंगे कि यहां पर ये वाला जो सिस्टम है, ये देखिए, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये भाई यही एक ही है बेचारा, तो ये तो हाईएस्ट ही हुआ, तो इसी को बोलेंगे इस सिस्टम का होमो। क्या बोलेंगे? होमो। और ये लोएस्ट, जब दो ही लोग हैं तो एक होमो हो गया, एक लूमो हो गया, ये क्या होगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप क्या पाएंगे कि यहां पर ये वाला जो साइटू वाला ऑर्बिटल है, ये साइटू ऑर्बिटल क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। हाईएस्ट का और लोएस्ट का मतलब होता है एनर्जी से, कि हाईएस्ट एनर्जी में जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और लोएस्ट मतलब होता है कि लोएस्ट एनर्जी में। अब देखिए यहां पर दो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर साई थ्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? लूमो हो गया। तो ये होमो और लूमो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि किसको होमो बोल रहे हैं और किसको लूमो बोल रहे हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब ये इसका लूमो और इसका होमो, ध्यान समझिएगा, देखिए यहां पर इसका लूमो और इसका होमो, यही दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर अवेलेबल है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं है। तो जब भी यहां पर रिएक्शन आपकी हो रही होगी आगे आगे जब देखेंगे, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा होता है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपके पास एक एल्कीन प्रेजेंट होगी। जरा ध्यान से समझते रहिएगा, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं लिखना है, बस आपको देखते रहना, समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लेना। यहां पर चार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है आपके पास सिस्टम में, और उसके बाद यहां पर नीचे एक एल्कीन प्रेजेंट है, इस तरीके से एल्कीन प्रेजेंट है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास अवेलेबल होती है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मान लो मैंने इनको इस तरीके से बना दे रहा हूं, किसी भी फेज में, फेज की अभी चिंता मत करिए, कुछ भी सबको ऐसे ऐसे बना दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दे रहा हूं ताकि आप फेज में परेशान ना हो। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो यहां पर इनके एंटी बॉन्डिंग, मतलब यहां पर इसका क्या होगा, इसका जो होमो होगा वो इसके लूमो पर इलेक्ट्रॉन्स देगा। किसके इलेक्ट्रॉन्स? किस पर देगा? लूमो पर इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये नॉर्मल केस है, जबकि इसका अपोजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो दोनों तरीके अवेलेबल है, आपको पता है। देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसका होमो जो है वो इसके लूमो में भी दे इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं। वो कब और कैसे होंगी वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि होप कैसे नहीं, कोई एक ही कैटेगरी अभी हम समझ रहे हैं। तो एक ही कैटेगरी समझने के लिए कोई एक केस ले लिया कि चलो अच्छा इसका होमो है, इसका लूमो है, अभी कोई बात नहीं करेगा कि किसका कौन सा होमो, किसका कौन सा लूमो, वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं, अभी कुछ भी दोनों कैटेगरी में एक ही कैटेगरी समझ में आ जाए तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में, इन ऑर्बिटल्स में दिए, जिससे हुआ क्या कि इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम आएंगे। तो होता ऐसा है कि कई बार अगर ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल, देखो अब बेसिकली जो मेन इंटरेक्शन हो रहा होगा, अब आप भी समझ गए होंगे कि सर हाँ मैं समझ गया कि मेन इंटरेक्शन मतलब इन ऑर्बिटल्स का और इन ऑर्बिटल्स का हो रहा होगा, जिसकी वजह से ही यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो यही तो वो कहानी है ना जो आपके सामने यहां पर इस तरीके से बनी हुई है, ऐसे ऐसे। तो यहां पर जो ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड, यही बॉन्ड है, तो इनके इंटरेक्शन से ही होगा।
अब आप ये बात अगर आप समझ जाओगे तो आप रेडियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी सब कुछ समझ जाओगे। तो इसलिए अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेक्ट कौन क्या कर रहा है। तो इन जनरल बेसिकली यहां पर होता क्या है कि यहां पर जो हमारा सिस्टम होता है ना, ये इसका होमो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और यहां पर इसका क्या होता है, लूमो इंटरेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है इस बात को भी मैं चलिए समझा देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए इसका होमो लोअर एनर्जी में होता है और इसका जो लूमो हमने साइड टू नीचे लिखा था थोड़ा ऊपर एनर्जी होता है, और इनका होमो लूमो जो गैप होता है एज कंपेयर टू दिस होमो एंड दिस लूमो, उस गैप से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब क्या कहने का है, मतलब कहने का ये है कि आपके पास इस तरीके से इसका एक साई वन प्रेजेंट है और ये साई टू प्रेजेंट है, ठीक है, और वहीं पर दूसरे वाले सिस्टम में क्या है, यहां पर एक आपके पास ये साई फोर, ये आपके पास इस तरीके से साई थ्री, और यहां पर ये आपके पास साई टू, और ये आपके पास क्या है, साई वन। ये आपके पास यहां पर इसका जो ये होमो है और इसका जो लोमो है, इनका गैप जो होता है, इन जनरल ये गैप सबसे कम होता है, इस वजह से नॉर्मल केसेस में ऐसे इंटरेक्शन होते हैं। जबकि ये वाला गैप और इसका जो गैप होता है, ये गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये इंटरेक्शन कम होते हैं। मतलब इसका जो आपके पास एल्कीन है या फिर जो आपके पास डाइईन है या फिर जिसको आप डाइन मतलब डाइनोफाइल बोलते हैं, वो आप अभी आगे समझोगे। तो यहां पर जो आपका 2 पाई सिस्टम है, इन जनरल समझ सकते हो 4 पाई सिस्टम है, तो यहां पर 2 पाई सिस्टम का होमो इंटरेक्ट नहीं करता है, किस कुछ केसेस में करता है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो इन जनरल आपको बताया कि आपका इसका साइटो इंटरेक्ट करेगा और इसका क्या करेगा, साइटो इंटरेक्ट करेगा, मतलब इसका होमो इंटरेक्ट करेगा और इसका लूमो इंटरेक्ट करेगा। तो इसका फेस कैसा होगा, साइटो का फेस कैसा होगा, अभी आपने देखा साइटो का फेस जो हमने यहां पर बनाया है, साइटो का फेस देखिए, ये है साइटो और साइटो का जो टर्मिनल लोब्स हैं, ये टर्मिनल लोब्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के फेस कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो इसको आप यहां पर बना लीजिए, यहां पर इसका मतलब हो गया ये वाला फेस ऐसे सेम अपोजिट फेस में होंगे, यहां पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में अपोजिट फेस में है, और ये भी एक तरीके का साइटो ही है। तो इसमें भी अगर आप वहां से देखोगे स्ट्रक्चर को, तो आप देख लीजिए डायरेक्टली, ऐसे याद करने के लिए आप डायरेक्टली बना सकते हैं क्या, साइटो में एक नोड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्लस और ये प्लस माइनस, यही है साइटो जो इस एल्कीन का है, तो इसका मतलब लूमो इसका क्या है, यही है। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास, एक अगर एक तरफ आपने नेगेटिव रख दिया तो यहां पर आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, सॉरी यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव। तो देखिए In that case, अगर आप इस रिएक्शन को नॉर्मली कराएं, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हीट दी है, क्या दी है, हीट दी है। तो हीट देने से बेसिकली क्या, हीट देने से कुछ भी, कुछ तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होते नहीं है हीट देने से कंपाउंड के अंदर। तो इसलिए इस केस में बेसिकली क्या होगा, देखिए यहां पर इन दोनों जगह पर क्या हो रहा है आपका, इसको बोलते हैं वैसे सुपरा फेसियल इंटरेक्शन, मतलब जब जहां पर सेम फेस में इंटरेक्शन हो रहा होता है उसको बोलते हैं सुपरा फेसियल इंटरेक्शन, और कहीं पर अगर अपोजिट फेस में इंटरेक्शन हो रहा होता है उनको बोलते हैं एंट्रा फेसियल इंटरेक्शन, सुपरा फेसियल और एंट्रा फेसियल। लेकिन वो हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, वो नेट के सिलेबस में चला जाता है। तो इसलिए आप यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर इन फेज हो रहा है, यहां पर भी इन फेज हो रहा है, तो अगर इन फेज इंटरेक्शन हो रहा है तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका 4 पाई सिस्टम रिएक्शन होती है, जो आपकी 4 पाई सिस्टम रिएक्शन होती है और 2 पाई सिस्टम रिएक्शन होती है, ये नॉर्मल केस में हीट में ही क्या होती है, हीट के केस में ही अलाउड हो जाती है, हीट के केस में ही ये रिएक्शन क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि डील सेल्डर रिएक्शन या फिर 4+2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो हीट में क्यों अलाउड होती है। अब अगर मान लो मैं हीट की जगह लाइट दे दूं तो आप सोचोगे कि फिर सर फिर कैसे होगी रिएक्शन, फिर क्यों अलाउड नहीं होगी। तो उसके लिए जरा ध्यान समझिए हीट देने से क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर आपने लाइट दे दी तो लाइट देने से क्या होगा, यहां पर आपके पास साई वन प्रेजेंट है, ये आपके पास साई टू प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके पास टू पाई सिस्टम है, और यहां पर दूसरी जगह आपके पास ये साई वन प्रेजेंट है, ये साई टू प्रेजेंट है, ये साई थ्री प्रेजेंट है, और ये आपका साई फोर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने ये 4 पाई सिस्टम था, अब यहां पर 4 पाई सिस्टम में जनरल केस में क्या होता है वो तो आपको पता है। तो इन जनरल केस के लिए आपने इन सिस्टम को लाइट दी, अगर मान लो इस सिस्टम को आपके पास, आपने इस सिस्टम को लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, एक्साइट हो जाएगा। तो लाइट की प्रेजेंस में होता क्या है, बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा, जिस भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिस भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है, जिसकी वजह से होमो और लूमो की कहानी ही बदल जाती है। तो पहले वाले कहानी तो समझ के कौन कहां कैसे अलाउड था, लेकिन आप जैसे ही लाइट दोगे ना तो क्या होगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, यहां पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन था ना वो चौथा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, और अब ये बन जाएगा आपका क्या, होमो, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर यही है। तो आप सिंगली ऑक्यूपाइड
एस होमो भी बोल सकते हो कि सिंगली ऑक्यूपाइड हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेके हम कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होमो कौन बन जाएगा, इसका होमो ये बन जाएगा। और यहां पर जब आप लाइट देंगे इस वाले केस में लाइट देने से क्या होगा कि यहां पर क्या होगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पर चला जाएगा। तो इसके पास तो कोई लूमो बचेगा ही नहीं, जब इसके पास कोई लूमो ही नहीं बचा तो ये होमो कहां पर इलेक्ट्रॉन दे, सबसे पहली समस्या तो ये हो गई। इस वजह से आपके पास कभी भी 4+2π सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में नहीं होते हैं। ये तो बात थी जब 4+2π सिस्टम की रिएक्शन हो रही हो, लेकिन ऐसे आगे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिनमें आप और भी समझ सकते हैं कि यहां पर होमो लूमो चेंज होने से कहानी और भी बदल सकती है, जो मैं 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन से समझाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर जाना आपके लिए काफी टिपिकल होता चला जाएगा। और ये सारी जितनी बातें बता रहा हूं मैं अभी आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रिक पे कि आखिर इसको डायरेक्टली कैसे ध्यान रखें, तो वो तो हाथों से काम हो जाएगा तुरंत, लेकिन ट्रिक से काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप 2+2 रिएक्शन करा रहे हैं, यहां पर दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम है, तो दो सिस्टम में आपको पता है कि यहां पर क्या है बेसिकली, एक यहां पर इस तरीके से इसके पास एक ऑर्बिटल है ये ऐसे, और दूसरे वाले केस में क्या है इसमें एक ऑर्बिटल है ऐसे, ठीक है। अब नॉर्मल केस में क्या होगा, इसका होमो और इसका लूमो, एक का होमो एक का लूमो इंटरेक्ट करेगा, तो होमो बताइए होमो में क्या होगा, दोनों सेम फेज में होंगे, इनका तो सीधा ही याद है, और दूसरे का लूमो क्या है, लूमो आपका बेसिकली यहां पर इस तरीके से है लूमो। तो देखिए अगर आप नॉर्मली रिएक्शन कराते आपके पास ये साई वन में दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और यहां पर ये साई टू में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका हो गया होमो, ये आपका हो गया होमो, और ये क्या हो गया आपका लूमो। और होमो में सेम फेज होगा, इसमें अपोजिट फेज होंगे, इतना तो आप वैसे ही कुछ ट्रिक की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली आपको समझ में आ गया, साई टू में अपोजिट फेज थे आपने देख लिए और साई वन में सेम फेज थे ये भी आप समझ गए हैं। तो इसका मतलब अब अगर इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा तो देखो इंटरेक्शन होने से होगा क्या, एक इंटरेक्शन तो क्या होगा आपका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, एक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, जबकि दूसरा कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कि एक कंस्ट्रक्टिव हो रहा है एक डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, एक इंट्राफेसियल हो रहा है एक सुपराफेसियल हो रहा है, इसकी वजह से कहानी बनेगी नहीं, दोनों सुपराफेसियल होने चाहिए थे या फिर कहूं मैं दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने चाहिए, उस केस में रिएक्शन क्या होती अलाउड होती इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में ये नॉर्मल कहानी है। अब आपने जैसे ही अब इस केस में आप जरा समझिएगा, इस आप केस में आपने जैसे ही हीट की जगह क्या करी लाइट देने की कोशिश करी, तो लाइट देने से क्या होगा बेसिकली किसी एक रिएक्टेंट में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, मान लो जैसे ही लाइट पड़ी तो कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अनएक्साइटेड है उसी केस में, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सिस्टम तो ऐसा ही बना रह गया, एक सिस्टम तो ऐसा ही रह गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन जैसे ही आपने लाइट दी तो दूसरा वाला सिस्टम क्या हो गया मान लो एक्साइट हो गया, तो यहां पर उस वाले केस में क्या हो गया उसका जो होमो बन गया वो ये बनकर आ गया, तो एक का होमो बन गया साई टू और दूसरे का होमो क्या है अभी भी लूमो क्या है ये अभी भी साई टू ही है, तो इसका एक का लूमो यही है लेकिन इसका जो होमो था जो पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन थे वो कौन सा बन गया होमो ये बन गया होमो बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया साई टू और साई टू आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कर ले जाएंगे, साई टू और साई टू केस में अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर साई टू का केस का मतलब क्या हो जाएगा इस तरीके से यहां पर ये आपस में अपोजिट फेस में होंगे इस तरीके से यहां पर और यहां पर इस तरीके से नीचे वाला जो लोब होगा वो भी इस तरीके से ध्यान से देखते रहिएगा यहां पर स्क्रीन पर, यहां पर क्या हो गया यहां पर ये नेगेटिव फेज में और ये पॉजिटिव फेज में ये नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो अब ये रिएक्शन हो जाएगी दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइट की प्रेजेंस में जब आपने रिएक्शन कराई तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन क्या हो गई थर्मली अलाउड नहीं थी लेकिन फोटोकेमिकली अलाउड हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप इसको भी समझेंगे ये वाला जो पिछला वाला जो केस मैंने बताया कि इसमें क्या होता है एट अ टाइम मान लो ये एक्साइटेड हो गया ठीक है ये एक्साइटेड हो गया तो एक कई बार आप दो तरीके से समझ सकते हो कि दोनों कंपाउंड एक्साइटेड होगा या फिर कोई एक एक्साइटेड हुआ, तो मान लो अगर इस वाले केस को भी आप इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर आपके पास बेसिकली यही पर इलेक्ट्रॉन जो था वो यहीं पर अवेलेबल है, इसका जो होमो था वो क्या बन गया साई थ्री बन गया और इसका लूमो क्या है साई टू बन गया, तो साई थ्री और साई टू आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जो देखते हैं स्ट्रक्चर को बनाकर इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर को बनाया यहां पर ऐसे ये ऐसे, अब देखिए यहां पर साई थ्री है ये साई थ्री के फेजेस की कहानी आपको समझनी कि इनके फेज कैसे होते हैं मतलब कौन सा सेम फेज में है कि अपोजिट फेज में है, तो साई थ्री के लिए मैं भी आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं बाकी ट्रिक अभी हम आगे थोड़ी देर में समझेंगे, तो यहां पर देखिए साई थ्री कौन सा है आपका ये है साई थ्री, तो साई थ्री वाले केस में देखिए
अपोजिट फेजेस क्या है, सेम, मतलब टर्मिनल जो लोब्स हैं उनके फेज कैसे हैं, सेम है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो इसका मतलब हो गया आपके पास जो ये साई थ्री है, जब साई थ्री इंटरेक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब आपने दे रखी सिस्टम में लाइट दे रखी है, तो लाइट की प्रेजेंस में आपके साई थ्री क्या हो गया, सेम फेज, मतलब यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर सेकंड वाला केस क्या है, उसका तो साई टू ही है लूमो, तो इसका लूमो क्या हो गया आपके पास, साई टू का मतलब क्या हो गया, अपोजिट फेज, वो तो आप याद ही हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या हुआ, प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और माइनस माइनस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर से मतलब हो गया कि एक तरफ सुप्राफेसियल, एक तरफ इंट्राफेसियल, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब हो गया कि ये रिएक्शन अलाउड नहीं है। तो इसलिए 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 अब आप एक बात क्लियरली समझ गए हैं कि जो आपकी फोटोकेमिकल, जो आपकी साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं। अगर आप 2+2 की बात करें, जो कि बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, 2+2 लाइकली रिएक्शंस जो होती हैं ये लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में अलाउड है, जबकि थर्मली अलाउड नहीं है, ठीक है। अब वही अगर बात करें 4+2 सिस्टम, जब आपने पढ़ा तो 4+2 सिस्टम जो था आपका लाइट की प्रेजेंस में अलाउड है लेकिन थर्मली अलाउड नहीं है। तो बस इसी कैटेगरी का आपको एक पार्ट पढ़ना होता है अपने सिलेबस में, वो क्या है कि आपको 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को, सॉरी यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर इसको लाइट की प्रेजेंस में अलाउड नहीं है और इसकी प्रेजेंस में अलाउड है, तो ये वाली कैटेगरी जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसी को बोला जा रहा है क्या, डील्स एल्डर रिएक्शन, यही आपके सिलेबस में डील्स एल्डर रिएक्शन, तो बस यही डील्स एल्डर रिएक्शन। तो हमें बेसिकली बस इसी कैटेगरी को पढ़ना है, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, जो कि बेसिकली आपकी हीट की प्रेजेंस में अलाउड होती है, हाईलाइट की प्रेजेंस में अलाउड नहीं होती है, क्यों नहीं होती आप बता सकते हैं, इन दोनों को भी बता सकते हैं, और इसी रिएक्शन को आप डील्स एल्डर रिएक्शन के नाम से अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। अब डायरेक्टली मैं आपको साइक्लोएडिशन रिएक्शन का एक इन जनरल पॉइंट बताऊंगा, वो अगली कहानी अगली लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि आखिरकार कैसे हम डायरेक्टली कैसे कोई क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि डायरेक्टली हम बता सके, कोई भी आपका ऑर्बिटल है मान लो साई थ्री है, मैं आप साई थ्री से पूछूं डायरेक्टली बताओ साई थ्री के अपोजिट लोब्स कैसे होंगे, इन फेज होंगे कि आउट फेज होंगे, मतलब सेम फेज में होंगे कि अपोजिट फेज में होंगे, या फिर आपके पास साई वन है इसके जो लोब्स होंगे वो सेम फेज में होंगे कि अपोजिट फेज में होंगे, तो इसका अगर आपको ट्रिक पता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, बाकी इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसको याद रखते हैं, और आपके पास 4 पाई सिस्टम हो प्लस 2 पाई सिस्टम हो, या फिर 2 पाई सिस्टम हो प्लस 2 पाई सिस्टम हो, या फिर 6 पाई सिस्टम हो प्लस 4 पाई सिस्टम हो, या फिर 6 पाई सिस्टम हो प्लस 2 पाई सिस्टम हो, ऐसी रिएक्शंस को डायरेक्टली देखकर कैसे बताया जाए कि कौन सी थर्मली अलाउड है, कौन सी फोटोकेमिकली अलाउड है, ये भी आपको डायरेक्टली ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को मैटकेएम क्लासेस के, शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को, अगली वीडियो जल्द ही आएगी विद इन अ वन डे आपको आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम लोग डील सेल्डर रिएक्शंस को और डिटेल वाइज उसकी रिजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी को पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से रिजियो और स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है डील सेल्डर रिएक्शन में, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी, आप टेलीग्राम चैनल पर मैटकेएम क्लासेस के जाकर वहां से मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं ऑडियो क्लिप के थ्रू वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा, और अगर आपको लाइव की रिक्वायरमेंट है तो आप, वैसे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है लाइव की, अगर है तो आप बता सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कमेंट्स आएंगे, 100+ कमेंट्स आ जाएंगे तो फिर हम लाइव ही पढ़ा देंगे अगला लेक्चर, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इफ यू वॉन्ट डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ मैटकेएम क्लासेस, थैंक यू सो मच।